आजमगढ़ में दलितों पर हमले के मामले में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई है, रासुका लगाने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ के महाराजगंज थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। परवेज फैजान, नूर आलम, सदर आलम समेत 12 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। तो ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ इलाके से, जहां पर दलितों के साथ में मार पिटाई या दलितों पर हमले को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त फरमान जारी किया है, और ऐसे में उस फरमान का पालन करते हुए कई सारे लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रासुका के तहत ये गिरफ्तारी हुई है, 12 लोग इसमें गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इससे पहले कल जिस तरीके से जौनपुर में भी वहां के दलितों के खिलाफ में जो अत्याचार हुआ था, उस पर भी रासुका और गैंगस्टर के तहत मुकदमे दर्ज किए गए थे और गिरफ्तारियां हुई थी। आइए सुनते हैं आजमगढ़ के महाराजगंज के इस मामले में क्या कहा गया। थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिकंदरपुर आयमा गांव है, उसमें गांव के जस्ट सटा हुआ एक ट्यूबवेल है जिसपे मुस्लिम पक्ष के लड़के बैठे रहते थे, और सटी हुई दलित बस्ती है, वहाँ से जो लड़कियाँ निकलती थी, अनुसूचित जात की लड़कियाँ या औरतें निकलती थी, उस पर छींटा कसी करते थे। इसको लेकर के जब अनुसूचित जात के लोगों ने इसको आपत्ति की, तो इन लड़कों ने, जो मुस्लिम पक्ष के लड़के, आक्रामक हो गए और जा कर के मारा पीटा, पथराव किया। उसमें करीब 10 से 11 लोगों को छूटे थी, उनको इलाज कराया जा रहा, गंभीर धाराओं में मुकदमा किया गया है, इसमें 12 लोग गिरफ्तार।